नमस्कार, वेबदुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। वेंकैया नायडू ने कहा, लक्ष्य हमलों पर चर्चा करना सेना का अपमान होगा। पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना के लक्ष्य हमलों का सबूत मांगने वालों पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री एम वेंकैया नायडू ने बुधवार को कहा कि अभियान पर चर्चा करना भारतीय सेना द्वारा किए गए सराहनीय कार्य का अपमान होगा। सर्जिकल हमले पर भारत को यूरोप का भी समर्थन। यूरोपीय संसद के एक आला अधिकारी ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारत की कार्रवाई की अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सराहना करनी चाहिए और इसका समर्थन करना चाहिए। यूरोपीय संसद के उपाध्यक्ष रिचार्ड जारनेकी ने इस हालात को लेकर भारत के रुख की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि भारत ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ये हमले पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले आतंकी समूहों के खिलाफ किए गए हैं। कानपुर के पास 3 ट्रेनों में की लूटपाट, 3 यात्री घायल। कानपुर स्टेशन के पास हथियारबंद लुटेरों ने बुधवार तड़के लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस और लखनऊ कानपुर पैसेंजर ट्रेन में यात्रियों से लूटपाट की और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की, जिससे 3 यात्री घायल हो गए। घायलों में से 2 यात्री को प्राथमिक उपचार मुहैया कराने के बाद घर भेज दिया गया, जबकि 1 यात्री रेलवे अस्पताल में भर्ती है। कच्छ में एक और पाकिस्तानी नौका पकड़ाई। गुजरात के कच्छ जिले में पाकिस्तानी सीमा के निकट सरक्री क्षेत्र से सीमा सुरक्षा बल के गश्ती दल ने एक पाकिस्तानी नौका तथा इस पर सवार 9 लोगों को पकड़ लिया है। ज्ञातव्य है कि पिछले दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी कैंपों पर भारतीय सेना के लक्ष्यभेदी हमले के बाद गुजरात में बढ़ाई गई तटीय चौकसी के बीच 2 अक्टूबर को तटरक्षक दल ने भी पोरबंदर तट से दूर समुद्र में एक पाकिस्तानी नौका तथा इस पर सवार 9 लोगों को पकड़ा था। कैबिनेट ने दी HIV एवं एड्स विधेयक में संशोधन को मंजूरी। HIV प्रभावित और एड्स पीड़ितों के हितों की रक्षा करने वाले मसौदा कानून को और मजबूत करते हुए सरकार ने इसमें संशोधन को बुधवार को मंजूरी दे दी, ताकि ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करने वालों के खिलाफ शिकायतों की जांच के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित किया जा सके और कानूनी जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।